नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप सभी ने हमेशा जी से हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर में रंग लगा हुआ देखा होगा। वही भक्त भी जब मंदिर जाते हैं तो उन्हें बेसन बूंदी के लड्डू और नारियल के अलावा सिंदूर भी जरूर चढ़ाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों केसरिया सिंदूर के रंग में पवनसुत मंदिरों में विराजमान रहते हैं? दरअसल अंजनी पुत्र हनुमान जी और सिंदूर का काफी गहरा और बड़ा रिश्ता। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक कथा। पुरानी कथा के मुताबिक लंका पर विजय पाने के बाद भगवान राम और माता सीता अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में रहने के दौरान एक बार बजरंग बली जनक नंदिनी के महल पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही है। इसके बाद हनुमान जी ने सीता माँ से पूछा कि हे माता, आप ये लाल रंग अपने मांग में क्यों भर रही हैं? तब माता सीता ने कहा कि इस लाल रंग को सिंदूर कहते हैं। इसे मांग में भरने से मेरे स्वामी दशरथ नंदन राम की आयु बढ़ती है, इसलिए मैं हर दिन सिंदूर से अपना मांग भरती हूँ। इसके बाद अंजनी सूत ने सोचा कि चुटकी भर सिंदूर से मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है, तो क्यों ना मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लूँ। फिर हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया और सभा में पहुँच गए। उनको सिंदूर में लगा देख सभा में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। हनुमान की भक्ति, समर्पण और प्यार को देखकर भगवान राम अत्यंत खुश हुए। तभी से हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के प्रिय भक्त हैं, ऐसे में उनकी मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना काफ़ी लाभकारी और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है।